नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइस, इस वीडियो से हम लोग नए टाइप के पैटर्न्स बनाएंगे। देखिए, ये पैटर्न का प्रोग्राम हमें बनाना है। यहाँ अगर हम नोटिस करें तो फर्स्ट लाइन में पहले चार स्पेस है, देन वन प्रिंट हुआ है। सेकेंड लाइन में तीन स्पेस है, फिर वन टू प्रिंट हुआ है। थर्ड लाइन में दो स्पेस, वन टू थ्री। फोर्थ लाइन में एक स्पेस, वन टू थ्री फोर। और फिफ्थ लाइन में सीधा वन टू थ्री फोर फाइव प्रिंटेड है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस में हमने पैटर्न के प्रोग्राम बनाए जावा में, उन सभी में आई में जय का केवल एक ही लूप था सॉरी, जबकि इस वीडियो में हम ये जो पैटर्न बनाने जा रहे हैं इसमें आई में जे के दो लूप हमें चलाने होंगे। एक लूप रिप्रेजेंट करेगा स्पेस को और एक लूप रिप्रेजेंट करेगा स्पेस के बाद वाली वैल्यूज को। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी हर बार ये बताया, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा आई कहाँ से शुरू हो रहा है। उसका मैंने तरीका बताया था। देखें, लेफ्ट से सब कुछ वन 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 है, दैट मीन्स ये आई नहीं है। राइट में अगर हम देखें वन टू थ्री फोर फाइव, दैट मीन्स ये क्या है, आई की वैल्यू है वन से फाइव तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना। सबलाइम टेक्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ एंड जावा फोल्डर पे राइट क्लिक किया हमने, कंट्रोल एस से इसे कर दिया है हमने सेव, नाम दे दिया इसे हमने पैटर्न टेन डॉट जावा। नाउ हमने क्लास बना दी एक पैटर्न टेन नाम से, इसमें हमने बना दिया मेन फंक्शन। नाउ इंटीजर आई और जे दो वेरिएबल्स लिए हमने, आई का यूज करके हमने लूप सेटअप किया आई बराबर वन से आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, क्योंकि हमने देखा था अभी पैटर्न में कि आई का लूप एक से पांच तक चल रहा है। सो गाइज, आई का लूप तो हमने सेटअप कर दिया वन से फाइव तक। अभी हम स्पेस को देखते हैं एक बार। देखिए, आई की वैल्यू जब वन है तो स्पेस का लूप चल रहा है चार बार, आई की वैल्यू टू है तो स्पेस का लूप चल रहा है तीन बार, ऐसे ही आई की वैल्यू तीन है तो स्पेस का लूप चल रहा है दो बार। दैट मीन्स जो स्पेस वाला लूप है उसमें जे को स्टार्ट किया हमने फाइव से जे ग्रेटर देन आई तक, एंड जे को करते जा रहे हैं माइनस माइनस। इस लूप में हमने क्या करा, एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करवा दिया। ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराने के लिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में एम्प्टी स्पेस डाल दिया। ठीक है गाइस, जैसे आई की वैल्यू पहली बार वन हुई, लूप की कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू पांच ट्रू है, जे इक्वल टू फाइव से जे ग्रेटर देन आई तक, दैट मीन्स फाइव फोर थ्री टू चार बार चलेगा, चार स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर जब चार स्पेस प्रिंट हो गए हैं उसके बाद में क्या प्रिंट हो रहा है, वन। सो एक और लूप हमने सेटअप किया जे इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करें हम, ये हमेशा देखिए प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से। तो जे इक्वल टू कहाँ से शुरू किया हमने, वन से, एंड कहाँ तक जा रहा है, आई का मान पहली बार वन है तो जे का लूप वन से वन तक चला है, आई का मान टू है तो वन से टू तक। सो जे लेस देन इक्वल टू आई तक हमने इसे चला दिया है एंड जे प्लस प्लस कर दिया। नाउ इसमें हम प्रिंट करा देंगे जे की वैल्यू को। सो मैंने जे की वैल्यू को प्रिंट करा दिया और इस लूप के बाद में हमने लाइन को चेंज कर दिया। अब एक बार पूरे प्रोग्राम का फ्लो हम समझ लेते हैं। देखिए, आई की वैल्यू पहली बार सेट हुई वन, चेक हुआ आई लेस देन इक्वल टू फाइव है क्या, ये कंडीशन ट्रू है। नाउ जे इक्वल टू सेट हुआ फाइव, चेक हुआ जे ग्रेटर देन आई है क्या। अब जे की वैल्यू फाइव है, आई की वैल्यू वन है तो फाइव फोर थ्री टू चार बार ये जे के लूप की कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे, तो चार स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी वन, वन पे जे ग्रेटर देन आई की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जे के फर्स्ट लूप से बाहर आएगा, सेकेंड लूप पे जाएगा, जे इक्वल टू स्टार्ट हो गया वन से, कहाँ तक जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन है तो वन से वन तक चलेगा, केवल वन प्रिंट कर देगा, तो चार स्पेस और उसके बाद में वन प्रिंट हो जाएगा। फिर लाइन चेंज होगी, आई के लूप पे जाएगा वापस, आई प्लस प्लस होएगा, आई का मान बढ़ के हो जाएगा दो, कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल टू फाइव है क्या, ट्रू है,
आई के लूप में आया। नाउ जे इक्वल टू सेट टू अ 5, अब कितनी बार चलेगा देखिए, जे की वैल्यू 5 है, जे ग्रेटर देन आई तक चल रहा है। आई का मान क्या है हमारे पास, 2, तो 5 पे जे बड़ा होगा आई से, 4 पे बड़ा होगा जे आई से, 3 पे बड़ा होगा, तो 3 बार चलेगा ये लूप, 3 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, फिर जे की वैल्यू 2 होगी, 2 पे जे का ये फर्स्ट लूप खत्म, क्योंकि जे ग्रेटर देन आई की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जे का मान 2 है, आई का मान 2 है, इसलिए। फिर नीचे वाले जे के लूप पे आएगा, जे इक्वल टू सेट करेगा 1, जे लेस देन इक्वल टू आई तक, दैट मीन्स 1 और 2 प्रिंट करेगा, देन जे का मान 3 होगा, 3 पे वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस लूप से बाहर आएगा, यहां आकर के न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा आई के लूप पे, आई प्लस प्लस, आई का मान 3, कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, आई के लूप में आया, जे इक्वल टू 5 सेट हुआ, जे ग्रेटर देन आई तक, मतलब जे ग्रेटर देन 3 तक चलेगा, तो 5 पर चलेगा, 4 पर चलेगा, दो स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, थर्ड लाइन में दो स्पेसेस आ गए। फिर जे का मान 3 होते ही जे ग्रेटर देन आई की कंडीशन फॉल्स, जे के फर्स्ट लूप से बाहर आया, जे के सेकंड लूप पे आया, जे का मान सेट कर दिया 1, कहां तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई तक, दैट मीन्स 1 से लेके आई का मान अभी 3 है, तो 3 तक क्या प्रिंट कर देगा ये, 1 2 3, फिर जे का मान 4 होगा, 4 पे जे लेस देन इक्वल टू आई की कंडीशन यहां हो जाएगी फॉल्स, तो जे के लूप से बाहर आएगा, एक न्यू लाइन प्रिंट करा देगा, वापस आई के लूप पे जाएगा, आई प्लस प्लस, आई का मान 5, कंडीशन चेक होएगी, सॉरी आई का मान 4, कंडीशन चेक होएगी, आई लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, देन जे इक्वल टू 5 सेट होगा, कंडीशन चेक होएगी, जे बड़ा है क्या आई से, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई का मान है 4, जे का मान है 5, तो एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा ये वाला। नाउ जे माइनस माइनस, जे का मान 4, कंडीशन चेक हुई, जे बड़ा है क्या आई से, कंडीशन फॉल्स हो गई, एक ही स्पेस प्रिंट हुआ, जे के सेकंड लूप पे गया, जे का मान सेट कर दिया 1, कंडीशन चेक होगी, जे लेस देन इक्वल टू आई, आई का मान क्या है 4 है, तो 1 से लेके 4 तक चलेगा, 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। फिर जे का मान होएगा 5, कंडीशन चेक होगी, जे लेस देन इक्वल टू आई है क्या, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि आई का मान 4 है, जे 5 हो चुका है, 1 से 4 तक गिनती प्रिंट हो चुकी, इस लूप से बाहर आएगा, यहां पे आके न्यू लाइन प्रिंट करेगा। फिर जाएगा आई के लूप पे, आई का मान बढ़ करके कितना हो जाएगा 5, कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ट्रू है, आई के लूप में आया, यहां पे जे इक्वल टू 5 से इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुई, जे ग्रेटर देन आई है क्या, आई का मान भी 5 है, जे का मान भी 5 है, लास्ट रो हमारी प्रिंट होने वाली है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दैट मीन्स स्पेस वाला लूप चला ही नहीं एक भी बार, ये लास्ट रो जो थी इसमें एक भी स्पेस नहीं था। फिर सेकेंड लूप पे आया जे के, जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू आई तक, आई का मान 5 है, तो 1 से 5 तक की ये काउंटिंग प्रिंट करेगा, देन जे का मान 6 होगा, 6 पे जे लेस देन इक्वल टू आई की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, जे के लूप से बाहर आएगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा, वापस ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का मान 6, कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स, लूप हमारा चलना बंद हो जाएगा। सो गाइज आइए इसको रन करा के भी देख लेते हैं, राइट क्लिक किया मैंने, ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गए हम, नाउ हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर खुला है विंडोज का, इसमें एड्रेस बार में जाके हमने टाइप करना है cmd, cmd टाइप करके हमने एंटर मारा, एंड जावा सी पैटर्न 10 डॉट जावा, कोई एरर होगी तो एरर शो हो जाएगी, कोई एरर नहीं है तो हमने इसे रन कराया, जावा पैटर्न 10, एंटर प्रेस किया, ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया, यही सेम पैटर्न प्रिंट करा रहे थे हम अभी, ठीक है गाइज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम का लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट अगर रह जाता है इस वीडियो में या इस कॉन्सेप्ट में, देन इस वीडियो पर कमेंट करके आप अपने डाउट्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, इस प्रोग्राम का लॉजिक क्लियर हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, मेरे वीडियोस को रिकमेंड करें उन्हें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग इजीएस्ट वे में लर्न कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।